नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता, हाजिर आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 77 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो पिछला लेक्चर है उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। उसमें हमने तीन एप्लीकेशन पढ़ लिए थे। कौन कौन से? पहला एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ा था, थिन वायर के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, थिक वायर के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, प्लेन शीट के बारे में डिस्कस किया था। डिस्कस किया था मतलब उनके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। नाउ आज हमारे पास क्या है, एक फोर्थ टाइप का यहां पर करंट कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, यहां पर किसी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, किसकी हेल्प से, एम्पियर्स लॉ की हेल्प से। तो हेडिंग क्या रहेगी आज की हमारी हेडिंग रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड। क्लियर है इतनी बात? ओके, एक चीज और, थोड़ा गला खराब है तो हो सकता है आवाज थोड़ा कर्कश आ रही हो, ओके, तो थोड़ा बहुत इसको सहन कर लेना, ओके। देखो तो सबसे मैंने रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हैंड डालो क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट इज सोलेनोइड, कि सोलेनोइड होता क्या है। तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सोलेनोइड क्या होता है, फिर वो कैसा होता है वो देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो फटाफट लिखो सोलेनोइड और सोलेनोइड के हैंड डालो, सोलेनोइड से या फिर उसकी डेफिनेशन लिखो। सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड इट इज ए कॉयल ऑफ वायर। क्या होता है सिंपल, ये इट इज ए लार्ज कॉयल ऑफ वायर, लार्ज LARG लार्ज कॉयल ऑफ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, किसी करंट कैरिंग वायर की जो कॉयल होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए यहां पर एक सोलेनोइड बनाया हुआ है, देखो दिस इज सोलेनोइड। ठीक है, एक वायर था मेरे को बाहर मिला, रोड पे मिला, मैंने उसको इस मार्कर के अंदर ऐसे डाल के ऐसे घुमा के क्या बना दिया, ये सोलेनोइड बना दो, दिस इज माय सोलेनोइड। ओके, ये क्या है, हमारा सोलेनोइड है। ठीक है, यानी इसमें क्या कर रखा है, एक लार्ज वायर को इस तरीके से कॉइल के रूप में क्या कर रखा है, परिवर्तित कर रखा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। तो ये क्या है, सोलेनोइड है, लेकिन अभी भी एक आइडियल सोलेनोइड नहीं है। आइडियल सोलेनोइड कब बनेगा, जब जो टर्म है ना वो क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत पास होंगे। ठीक है, यानी जो टर्म होंगे इनको हम कैसे वुंड करेंगे, इस तरीके से वुंड करेंगे या फिर इस तरीके से मोड़ेंगे ताकि ये क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत ही पास होंगे, तब ये क्या बनेगा, सोलेनोइड बनेगा, या बोल सकते हैं तब ये आइडियल सोलेनोइड बनेगा। ओके, तो इसके नीचे एक और लाइन लिख दो यहां पर, एंड टर्न्स आर, जो टर्न है, टर्न्स आर वुंडेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। दोनों क्या है, मतलब जो ये मेरे पास ईच अदर, जो मेरे पास क्या है, इसमें टर्न्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के बहुत पास, यानी ऐसे चिपके हुए हैं, ऐसे क्या है, इस तरीके से चिपके हुए हैं। अगर इसमें नहीं दिख रहा चिपका हुआ तो और पतला वायर ले लो, ये पतले वायर से बना हुआ है, देखो दिख रहा है आपको, ये पतले वायर से बना हुआ है, अगर उसको ऐसे चिपकाओगे देखो क्या हो गया, चिपक गए। ठीक है, तो इस तरीके का केस हमारे पास होने वाला है। ओके, नाउ तो दिस इज माय सोलेनोइड, तो ये क्या है, हमारा सोलेनोइड है, या बोल सकते हैं ये चीज क्या है, हमारा ये सोलेनोइड है। ओके, समझ में आई कि सोलेनोइड क्या होता है। अब देखो, अब यहां पर इसको बना दे एक बार, तो डायग्राम देखो, एज सून इन फॉलोइंग फिगर लिख दो, एज सून इन फॉलोइंग फिगर। और यहां पर जो डायग्राम होने वाला है इसका, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हम तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, यहां पर तीन तरीके हो सकते हैं इस सोलेनोइड को दिखाने के, यहां बोल सकते हैं तीन तरीके से, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिखाया हो सकता है। ठीक है, तो मैं अलग अलग बुक में अलग अलग है, तो मैं यहां पर जितने तरीके होते हैं वो सारे बना देता हूं। ओके, देखो पहला तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे, कि अज्यूम करो कि इस तरीके से क्या है मेरे पास, ये सोलेनोइड है, लाइक दिस। अबे डेडस बना रखा है क्या दिखाने के लिए, कि दिस इज वेरी लॉन्ग, ये क्या है, लार्ज है, या बोलते हैं लॉन्ग है। ठीक, तो या फिर इनफाइनेटली लॉन्ग है, ऐसा बोल सकते हो। यहां पर लार्ज अच्छा ही देना, लार्ज का मतलब ऐसे डायमीटर बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो इसको लिखो लॉन्ग, लॉन्ग लिख दो इसको, क्या लिख दो, लॉन्ग लिख दो, लॉन्ग का मतलब ये। ओके, नाउ अब इसमें क्या होगा, इस तरीके से तार लपेटना है हमको, तो इस तरीके से तार लपेट दो, फिर क्या दिक्कत है उसमें, तो ये क्या कर दिया हमने, इसमें इस तरीके से ये तार लपेट दिया, और जो ये बना इसी को हमने क्या बोला है, सोलेनोइड बोला है। ओके,
लाइक दिस, यहाँ से जाएगा और ये पीछे वाला होगा ना, और पीछे से बाहर निकलेगा। माना यहाँ से कितनी करंट गई, आई करंट यहाँ से गई, और यहाँ से कितनी निकल गई, आई करंट बाहर निकल गई। तो दिस इज माई सोलेनोइड, तो ये क्या है मेरा सोलेनोइड, तो ऐसे जाएगा फिर यहाँ पर ये बाहर की ओर, फिर ऐसे पीछे से गया और ये आया, पीछे से गया और ये आया, पीछे से गया और करंट ऐसे आई। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या करेगी, इंपोर्टेंट रोल अदा करेगी। तो ये डायरेक्शन क्या रखनी है हमको, बड़े ध्यान से यहाँ पर लिखना है। ओके, तो इस तरीके से ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये पीछे के रास्ते से ये बाहर निकल गया। ओके, तो दिस इज माय सोलेनोइड, ये क्या है हमारा सोलेनोइड है। देखो इसी को ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो, देखो कैसे बना सकते हो, अगेन अज्यूम करो नाउ। ओके, नाउ इसको ऐसे बना सकते हो, देखो कैसे, कि ये मेरा क्या है सोलेनोइड है, और इसके अंदर मैंने एक क्या डाल दिया, इस तरीके से कोई एक इंसुलेटर डाल दिया। ठीक है, ऐसे इंसुलेटर डला होता है। ठीक है, अब देखो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, क्या पीछे वाली कॉइल आपको दिख रही है, जो पीछे वाले टर्म्स हैं या फिर इन टर्म्स का जो पीछे वाला पार्ट है क्या आपको दिख रहा है, आंसर नहीं है, नहीं दिख रहा है। अब वो सिर्फ कौन सा वाला पार्ट दिख रहा है, ये सामने वाला पार्ट दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो आप सिर्फ खाली इसी को भी ड्रॉ कर सकते हो, देखो कैसे, कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट मैंने ये वाला ड्रॉ करो, ये वाला ऐसे करके, और पीछे वाला ड्रॉ मत करो। ठीक, तो यहां से गया ये वायर, गया यहां से फिर ये, ठीक है, ड्रॉ किया इधर से, अब पीछे से आएगा ये, पीछे से घूम के आएगा यूं करके, और फिर यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर अगेन पीछे से घूम के आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर अगेन पीछे से घूम के आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, अगेन पीछे से घूम के आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, अगेन पीछे से घूम के आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर अगेन पीछे से तार घूम के आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, अगेन पीछे से घूम के आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, अगेन पीछे से घूम के आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, अगेन पीछे से घूम के आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये पीछे ऐसे बाहर निकाल दो। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये भी क्या हुआ, एक इसका तरीका हुआ। तो दिस, यहाँ से आई करंट आई और यहाँ से आई करंट इस तरीके से बाहर निकल गई। ठीक है, नाउ अगर यहाँ बनाना चाहोगे तो सम करंट कैसे जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है इस तरीके से, ये बाहर वाले हैं। ओके, तो ऐसे बना दो इधर। तो दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट ए सोलेनोइड। ठीक है, नाउ अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैसे, देखो ऐसे बना सकते हो, कैसे बना रहे हो आप देखो, पहले बनाओ कुछ इस तरह का केस है मेरे पास, ये है, फिर ये नीचे वाला पार्ट है करके। ओके, ना यहां पर देखो करंट, अगर मैं सिर्फ कहां पर देखूं करंट, ऊपर और नीचे वाले पार्ट में देखूं, कहां कहां पर, ऐसे देखूं कि ये मेरा सोलेनोइड है यूं करके, मैं कहां कहां पर करंट देख रहा हूं, यहां पर, ऊपर और नीचे, यहां पर और यहां पर, इन दोनों जगह, इन दो जगह पर करंट देखना चाहता हूं, एक मैं ऊपर देखना चाहता हूं और एक मैं नीचे देखना चाहता हूं। अगर मैं इसके टॉप वाले पार्ट पर यहां पर करंट देखूं, कहां पर, यहां पर, तो करंट कहां की ओर जा रही है, यहां पर अंदर की ओर जा रही है, यानी बोर्ड के अंदर जा रही है, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहां पर करंट कहां की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। और जब भी करंट अंदर की ओर जाती है तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऐसे क्रॉस से, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, अंदर की ओर, यानी तीर कहां की ओर है, अंदर की ओर है। ठीक, ताकि वो क्या दिखे, तीर का पीछे वाला हिस्सा दिखे। तो यहां पर करंट कैसे है, इस तरीके से अंदर की ओर है। अगर मैं ये बनाना चाहूं तो ये कैसे बन के आएगा, कुछ इस तरीके से बन के आएगा, यानी यहां पर ऐसे अंदर की ओर, यहां से करंट ऐसे गई, यहां से करंट अंदर को गई। अब जो नीचे वाला पार्ट में है वहां पर क्या हो रही है, करंट बाहर को निकल रही है, लेकिन कहां से निकल रही है, यहां पर से निकल रही है। तो यहां से करंट क्या हो रही है, इस तरीके से बाहर को निकल रही है, यहां से करंट इस तरीके से बाहर निकली, अब कहां आएगी, ऊपर आएगी, तो ऊपर आई, तो अगेन यहां से करंट क्या हो जाएगी, इस तरीके से अंदर जाएगी, यहां से अंदर गई, तो यहां से क्या होगी, इस तरीके से बाहर निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, अगर यहां से बाहर निकली फिर यहां से क्या जाएगी, अंदर जाएगी। ठीक है, ये तार आ रहा है, ठीक है, तार अभी बनाया नहीं मैंने, तार नहीं बनाया तो इतना मेरा काम बच गया, या बोल सकते हैं जो यहां पर मेरे घिचपिच हो जाए तार बनाने से, वो जो घिचपिच है वो क्या होगी, बच गई। तो यहां पर हमने हाइपोथेटिकली अज्यूम किया, तार है, यहां से अंदर गया, फिर यहां से बाहर निकला, अगर यहां से अंदर गया, अब यहां से क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकला और यहां से फिर अगेन क्या हो गया, इस तरीके से अंदर चला गया। ठीक है, और फिर यहां से क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकलेगा, फिर यहां से क्या होगा, इस तरीके से अंदर गया। ओके, फिर यहां से क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकला और फिर यहां से क्या होगा, इस तरीके से अंदर चला गया, फिर यहां से क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकलेगा यूं, फिर यहां से क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये वाला आगे होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अंदर जाएगा और फिर यहां से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, फिर यहां से क्या होगा, इस तरीके से अंदर जाएगा और फिर यहां से क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगा, फिर यहां से क्या होगा, इस तरीके से अंदर जाएगा,
फिर यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे अंदर, और फिर यहाँ से ऐसे बाहर, यहाँ से ऐसे अंदर, फिर यहाँ से ऐसे बाहर। तो दिस इज माय सोलेनोइड। तो ये क्या होगा, तीन तरीके हो गए किसी एक सोलेनोइड को रिप्रेजेंट करने के, ओके ना। अब यहां पर देखो, ये जो चीज है इसके सेंटर में अगर मैं क्या खींचूं, एक लाइन खींचूं, इस सोलेनोइड के सेंटर से होती हुई अगर मैं एक लाइन खींचूं, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, दिस एक्सेस, इसे मैं क्या बोलूंगा, एक्सेस ऑफ सोलेनोइड बोलूंगा। तो ये चीज क्या है मेरे पास, यहां पर एक्सेस ऑफ सोलेनोइड है, ये क्या है मेरे पास, एक्सेस ऑफ सोलेनोइड, ओके। और यहां पर भी अगेन अगर मैं ये लाइन खींचूं इसके सेंटर से होती हुई, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, एक्सेस ऑफ सोलेनोइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये एक्सेस ऑफ सोलेनोइड, ओके। और अगेन अगर हम इसके सेंटर से लाइन खींचूं करके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्सेस ऑफ सोलेनोइड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अगर ये, अब देखो सोलेनोइड किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ये चीज क्या होगी, दिस इज द रेडियस ऑफ सोलेनोइड, तो ये क्या होगा मेरा, रेडियस ऑफ सोलेनोइड होगा। और ये क्या होगा यहां से यहां तक, ये होगा मेरे पास क्या, डायमीटर ऑफ सोलेनोइड होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ सोलेनोइड, और इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सोलेनोइड बोलेंगे। समझ में आ रही है इतनी बात, तो यहां बना दो किसी भी एक बना दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहां से यहां तक, दिस इज डायमीटर ऑफ सोलेनोइड, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डायमीटर ऑफ सोलेनोइड। समझ में आई बात, ठीक है, डायमीटर ऑफ सोलेनोइड, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डायमीटर ऑफ सोलेनोइड बोलेंगे। नाउ एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, कि यहां पर हमने कुछ ऐसा अज्यूम कर रखा है कि डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू द लेंथ ऑफ सोलेनोइड। जैसे आपको डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है कि जो डायमीटर ऑफ सोलेनोइड है वो इसकी लेंथ के कंपेरिजन में क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम कर रखा है, तो हियर वी अज्यूम दैट, लिख के चलो इमिटाओ, ओके देखो, हियर वी अज्यूम दैट, हियर वी अज्यूम दैट, अज्यूम दैट डायमीटर ऑफ सोलेनोइड, डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल कंपेयर टू, कंपेयर टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। ऐसा है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। एक चीज और हमने यहां पर अज्यूम कर रखा है कि दीज वायर आर वेरी क्लोज टू इच अदर। यहां पर तो फिर भी थोड़ा बहुत गैप आपको देखने को मिल रहा है, यहां भी थोड़ा बहुत गैप आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर उतना गैप देखने को नहीं मिल रहा है, सब वायर के हैं बहुत पास पास हैं। तो ये ज्यादा अच्छा डायग्राम दिख रहा है हमको, ठीक है, बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, ठीक है। ये वायर क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यानी एक दूसरे के ये क्या है, बहुत पास है। एक्चुअली हमने ये यहीं लिख दिया ना, हाँ यहां लिख दिया, तो उधर लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो सोलेनोइड क्या होता है उसके बारे में हमने देख लिया। नाउ अब बात करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, देखो हमको मैग्नेटिक फील्ड किसकी हेल्प से फाइंड करना है, एम्पियर्स लॉ की हेल्प से फाइंड करना है। और मुझे अगर एम्पियर्स लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि इसके द्वारा जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहां की ओर होगी। तो यहां पर हेडिंग लिखो इस तरीके से, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू सोलेनोइड, या ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड, ओके। तो बना दो फिर, देखो बनाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बना हुआ है, मैं नीचे के दो मिटा देता हूं, ओके okay? ये मेरा एक बना हुआ है ना, मैं नीचे के दो मिटा रहा हूं, ठीक है। आप अलग से बनाना, इसके नीचे इसको दोबारा बनाना, यहां पर इसके नीचे बनाना, यहां पर, ठीक है, ये हिंड डालना, उसके नीचे ये बनाओ, फटा बनाओ, मैं तब तक इसको मिटाता हूं, मेरे मिटाएं तो बनी जाएगा ना। देखो अब जो स्टेप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नाउ दिस इज माई सोलेनोइड, ये मेरा क्या है, यहां पर सोलेनोइड है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं इस पूरे सोलेनोइड को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि पूरा सोलेनोइड कितना है, कितना लंबा है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, या फिर वेरी लॉन्ग है, ठीक है। अगर ये वेरी लॉन्ग है तो इसका मैं एक छोटा सा पोर्शन ले लूं, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यहां पर से मैं कोई भी एक दो रिंग उठा लेता हूं, या फिर एक दो टर्न उठा लेता हूं, टर्न उठा लेता हूं, एक टर्न, दो, तीन, चार, पांच, इन पांच टर्न को उठा ले रहा हूं, इन पांच टर्न को उठा रहा हूं मैं, और इनको जूम कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं मैं, जूम कर रहा हूं, लेट मी जूम इट, इसको क्या कर दो, जूम कर दो, क्या कर दो, जूम कर दो। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो जूम करके पूरा ऐसे बड़ा हो जाएगा यूं करके, ओके। तो जूम कैसे करेंगे देखो, तो यहां बनाओ मैं जूम करके, तो ये इतना पार्ट है, ठीक है, तो इतने पार्ट को जूम करूंगा तो कुछ ऐसा होगा, और अगर थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं,
ऐसे कुछ बना, और अगर ये जूम होगा तो ये मोटा भी हो जाएगा यूं करके, ठीक है, जूम किया ना कभी आपने तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। और जो मेरे पास ये वायर जो चिपके हुए थे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को थोड़ा बहुत दूर हो जाएंगे। ना यहां पर देखो, यहां पर करंट अंदर क्यों जा रही है इस लूप में, ना पूछते हैं इस टर्न में करंट अंदर क्यों जा रही है, तो यहां पर क्या आएगा इस तरीके से ये काट आएगा, यानी पहला टर्न ये हो गया, फिर दूसरे टर्न के लिए यहां पर से इस तरीके से करंट बाहर क्यों जा रही है, ठीक है, ये पहला टर्न हो गया, ये दूसरा, और फिर तीसरे में यहां से अंदर की ओर जाएगी, ठीक है, ये तीसरा, फिर चौथे में इनको छोटा बनाओ यार, बड़े हो रहे ना, इनको छोटे बनाओ क्योंकि वायर हैं बहुत पतले हैं, ठीक, हाँ जूम कर रखा है अलग बात है, बहुत छोटे हैं, ठीक है, यूं करके ये, फिर यहां पर ये ऐसे अंदर गया, यहां से अंदर गया तो फिर यहां कहीं से बाहर आएगा, यूं करके, ठीक है, फिर यहां से अंदर गया यूं करके, फिर यहां कहीं से ऐसे बाहर आएगा, फिर यहां से ऐसे अंदर जाएगा, ओके, फिर यहां कहीं से ऐसे बाहर आएगा, ओके, यहां कहीं से क्या आया, इस तरीके से बाहर आ गया, बना दिया मैंने, पांच टन बना दिए, एक टन, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, पांच, ये ऊपर एक और बना दो यहां पर, ये पांच टन हो गए, ओके, अब टन बन गए। अब हमें क्या निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। अब देखो यहां पर हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, ध्यान से देखना बात को, यहां मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं, देखो कुछ ऐसा केस है मेरे पास, ऐसा केस है, ये इसके अंदर घुसा हुआ है यूं करके, मैंने कोई भी पांच टन उठाया यहां पर से, अगर मैं, अब करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है करंट, करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, अगर मैं कहां बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करूं, तो ये मेरे पास एक सिंपल सा वायर तो है, क्या है ना, एक सिंपल वायर है यहां पर, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये वायर क्या है, अंदर क्यों जा रहा है यहां पर वायर, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कैसे निकालूंगा मैं अपने राइट हैंड रूल से निकालूंगा, राइट हैंड रूल कैसे लगाऊंगा, थंब कहां की ओर होगा, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, जहां की ओर अंगुलियां कर्ल होंगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी, होगी नहीं होगी, आंसर है हाँ जी होगी। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाली बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, उस टर्म का जो नीचे वाला पार्ट है, ओके, वहां पर करंट कहां की ओर आ रही है, आग की ओर आ रही है, तो अगर मैं उस टर्म के कारण या फिर उस पर्टिकुलर पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो कैसे होगा, ऐसे करंट आपकी ओर है, ठीक है, और कैसे आएगा वो ऐसे, यानी वहां पर करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। तो यहां पर वेरी नियर टू द सोलेनोइड, वेरी नियर टू द सोलेनोइड जो मेरे पास इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, कुछ इस टाइप का मुझे देखने को मिलेगा, और डायरेक्शन कैसे होगी उसकी, ऐसे ऐसे घूमेगा यूं करके, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से, सेम इसके लिए भी ये हो जाएगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से, यानी ऐसे कुछ घूमेगा, और यहां पर भी अगेन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे होंगी इसकी, और डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, फिर अगेन घुमा दो यूं करके, ऐसे, फिर ऐसे, फिर अगेन घुमा दो कहां को, ऐसे, फिर ऐसे। अब अगर नीचे वालों की बात करूं तो नीचे वालों में अगेन कैसे होगा, ऐसे ही बनेगा, गोली होगा, वेरी नियर टू द सोलेनोइड, हाँ सोलेनोइड के बहुत पास की बात हो रही है, ओके, ऐसे घूमेगा, लेकिन अभी डायरेक्शन क्या उसे कैसे हो जाएगी, आपकी ओर आ रहा है करंट, आपकी ओर है, तो ऐसे, यानी ये जो गोला है वो कैसे घूमेगा, या फील्ड लाइन है वो कैसे घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी। अगर मैं यहां बात करूं तो अगेन जो फील्ड लाइन है वो कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगेन अगर मैं यहां बात करूं जो फील्ड लाइन है वो कैसे घूमेंगी, ऐसे कुछ घूमेंगी, ठीक है, और यहां फील्ड लाइन कैसे घूमेंगी, यहां पर भी कुछ ऐसे ही घूमेगी, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। नाउ ये तो कहा हुआ, कहां हुआ, वेरी नियर टू द सोलेनोइड। अगर मैं सोलेनोइड थोड़ा दूर जाऊं, माना मुझे यहां पर देखना है मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर देखना है, इस पॉइंट पर देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे करूंगा, तो अगेन इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अगेन कुछ इसी टाइप का होगा, होगा नहीं होगा, बनाओ फिर कैसे टाइप का होगा, ऐसे कुछ होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ओके, और डायरेक्शन अगेन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। सेम केस इसके लिए भी होगा, इस वायर के लिए भी होगा, तो घुमाओ यूं करके, ये घुमा ऐसे कुछ, ओके, सेम केस इसके लिए भी होगा, घुमा दो यूं, सेम केस इसके लिए भी होगा, तो क्या करो, घुमा दो, सेम केस इसके लिए भी होगा, तो अगेन घुमा दो ये एग्जैक्ट गोला नहीं बन रहा है, लेकिन आपका एग्जैक्ट गोल बनना चाहिए, और ये सेपरेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कहीं मेरा कहीं पर ज्यादा चौड़ा होगा, कहीं पतला होगा, ठीक है, चलेगा, लेकिन ओके, ये इस तरीके से घूम रहा है, ये इस तरीके से ना। अब ध्यान से देखो,
अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा है ना, तो आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। देखो कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पर तो सही था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को नहीं कट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है, वो यहाँ पर एक दूसरे क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है, क्योंकि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्यों है, नीचे की ओर है, और इसे कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है। यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब क्या है, ये चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। कहीं मत बनाना आप, ये चीज यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलेगी, ये चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सेम केस यहां पर भी होगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इधर ये दो क्या कर देंगे, इस को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी मुझे देखने को नहीं मिलेगा। अगेन सेम यहां पर भी होगा, इसका नीचे को है, इसका ऊपर को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देंगे, इस को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ऐसे जीरो हो जाएगा, यहां जीरो हो जाएगा, तो यहां पर मेरे पास फील्ड लाइन देखने को नहीं मिलेगी। अगेन यहां पर नीचे को है और इसका ऊपर को है, तो अगेन ये कितना हो जाएगा मेरा, यहां पर जीरो निकल के आएगा, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे अल्टीमेटली यहां पर किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलेगी, लास्ट में कुछ इस टाइप का मुझे देखने को यहां पर मिलेगा, कुछ इस टाइप का, ये ओके, थोड़ा सा अच्छा बनाओ, स्मूथ बना दूं, ओके, ये कुछ इस टाइप का मुझे यहां पर देखने को, इस टाइप की फील्ड लाइन मुझे यहां पर देखने को मिलेगी। समझ में आई बात, ऐसा क्यों देखने को मिलेगा, ओके। अब अगर जैसा इधर हो रहा है वैसा ही इधर भी होगा। देखो इधर भी अगर मैं थोड़ा सा बाहर, माना मैं यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, फिर इसके कारण कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, और इसके कारण कैसी बनेगी, अगेन कुछ ऐसी बनेगी, इसके कारण अगेन कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनती हुई दिखेगी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, ऐसे कुछ हो जाएगी, ओके। और अगेन आप यहां पर स्पष्ट देख रहे हो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां पर भी कैंसिल, यहां पर भी कैंसिल, ओके। ये तो बीच में लाइन रहेगी रहेगी वाली, अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो गया तो अगेन कैसा बन जाएगा डायग्राम, कुछ ऐसा ही ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक। तो मिटाओ सबसे पहले इनको, आप देखते रहना इसको, है अभी कुछ मत करना, आप सब समझ में आएगा आपके, आई होप समझ में आ रहा होगा यार, कोई ऐसे कठिन चीज नहीं है, पर हाँ नहीं है आपके लिए, ये यहाँ पर इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप का मुझे यहाँ पर डायग्राम देखने को मिलेगा। नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। नाउ अगर मैं थोड़ा सा और बाहर जाता हूँ, क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं और बाहर जाता हूँ, तो क्या होगा, देखो तो कुछ इस टाइप का मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसे आएगी, ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि देखो धीरे धीरे सीधा हो रहा है, मैं जब दूर जाऊँगा तो और सीधा हो जाएगा ये, तो कुछ इस टाइप का मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, और ऐसे फिर कहाँ की चलेगी, इधर की ओर चलेगी, फिर ऐसे यहाँ मिल गई, ठीक है, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। फिर सेम केस इसके लिए भी होगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी, यहाँ से आएंगी यूँ करके, ओके, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, और ये क्या हो जाएगी, इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। अगेन फिर एक और से थोड़ा दूर और जाऊँगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखूँगा, तो वहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा मेरे पास कि इस तरीके से, अभी बनाना मत, अभी कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर लाइन चल कैसे रही है, ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इस तरीके से होगा। और अगर मैं फिर एक और खींचूँ, नीचे वाले के लिए खींचूँ, तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ये ऐसा कुछ आएगा, ये फिर ऐसे ही, कितने हो गए, एक दो तीन, ऊपर अगले एक और खींच दो, ऐसे करके, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, कुछ ऐसी हो जाएगी, उस तरीके से एक और खींच दो इधर, जितनी आ रही है उतनी बना दो, ठीक है, ये बनाना, और फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, कौन सा वाला है, ये वाला है, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे फिर ऐसे। अब देखो, अब ध्यान सुनना, अभी पूरा बना नहीं है, देखो इतना बन गया ना। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट अज्यूम करूँ, लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, माना ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास, पी पॉइंट है, ठीक है। नाउ इस पी पॉइंट पर इन वायर का जो ऊपर वाले टर्म है, जो ऊपर टर्न है, उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, उधर की ओर है, किस डायरेक्शन में, इट इज इन
राइट डायरेक्शन, यहाँ बोलते हैं टुवर्ड्स राइट, कहाँ की ओर है, टुवर्ड्स राइट है। यहाँ ऐसे बोलूँ, इसको क्या बोलूँ, एक्स एक्सिस बोलूँ थोड़ी देर के लिए। मान लिया यहाँ पर, सॉरी ये क्या है मेरी एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में क्या बोल दिया मैंने, एक्स एक्सिस बोल दिया। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले टर्न्स हैं उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, जो ये वाला टर्न्स है, यहाँ बोलते हैं ये जो टर्न्स है इसके कारण इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, एक्स डायरेक्शन में है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस टर्न के कारण भी तो होगा, ये जो वायर यहाँ पर ऐसे बाहर की ओर आ रहा है इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। कहाँ की ओर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, क्योंकि दिस इज इन दिस डायरेक्शन, करंट इज दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो इस पॉइंट पी पर, इसके कारण इस टर्न के कारण जो यहाँ पर बाहर की ओर आ रहा है इस टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है कैंसिल, ये इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर आ रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आ रहा है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, इधर की ओर, जो कि मैंने दिखा रखा है। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कहाँ की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा। यानी ये क्या कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, उस दोनों को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, देखो दोबारा सुनो। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ना, वो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को इतना देखने को मिल रहा है ना, इतना मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज दे बोथ आर कैंसिलिंग ईच अदर। तो यहाँ पर मुझे इतनी लाइनें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये लाइनें क्या कर दो, मिटा दो। यहाँ पर जो लाइन नहीं है यहाँ पर, इसे क्या कर दो, मिटा दो। यानी यहाँ पर बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। यानी कुछ इस टाइप का मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नीचे भी सेम केस नीचे होगा, क्योंकि अब इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो नीचे भी क्या कर दो, कुछ लाइनें मिटा दो। ठीक, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। किधर बात, ओके ठीक है। और फाइनली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मैं फाइनल बना दूँ। ओके, इस टाइप से देखने को मिलेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर बहुत ही कम इस तरीके से, और फिर ये तो ऊपर जाएगा नहीं, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, सेम केस यहाँ भी होगा, कुछ इसे मिटाओ एक बार, इसे मिटाओ। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगा, और ये तो ऐसे जाएगा नहीं, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज फाइव टर्न्स। ओके, और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ यहाँ पर, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, किधर है बात, ओके। और इसमें डायरेक्शन की बात करूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे आ गया लाइक दिस, फिर यहाँ से ऐसे चला गया। ओके, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पर मैं आप कुछ कमेंट करेंगे, नाउ इट्स टाइम टू कमेंट। देखो पहला कमेंट तो ये देखो कि इस सोलेनोइड के अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, लगभग कैसा है, यूनिफॉर्म है। दिख रहा है, दिख रहा है? यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बिगड़ गया क्योंकि बाहर की ओर चला गया, यहाँ पर भी थोड़ा बिगड़ गया क्योंकि बाहर की ओर चला गया। लेकिन ये कब है, जब हमने सिर्फ पांच टन ले रखे हैं, कितना ले रखे हैं, सिर्फ हमने पांच टन की बात कर रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पर जो लेंथ होने वाली है इसकी, ये क्या है मेरे पास, इन्फाइनेटली लॉन्ग है। तो इस पोर्शन में देखो, इस छोटे से पोर्शन में क्या है, ये यूनिफॉर्म है। अगर ये क्या हो, इन्फाइनेटली लॉन्ग हो जाए, तो ऑटोमेटिकली किसी भी एक सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिफॉर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आंसर है हाँ जी हो जाएगा। तो पहला कमेंट लिखो इसमें, नाउ कमेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखो कमेंट ऑन, इसके नीचे डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम बनाया, और उसके नीचे लिखो क्या, कमेंट ऑन बी। ठीक है, पहला लिखो इसमें, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, हमारा यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म होता है, डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ होगी, तो डायरेक्शन कहाँ की ओर, देखो अलोंग द एक्सिस है या नहीं है, कहाँ की ओर है, इधर की ओर है। एंड डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, कहाँ की ओर होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। नाउ अलोंग द एक्सिस में भी दो केस आ सकते हैं, इधर की ओर होगा या फिर इधर की ओर होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर मुझे, हमें क्या करना पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, कि करंट कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज जा रही है टर्न्स में करंट, या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो मेरे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो कुछ ऐसे ले लो यहां पर, कि ये मेरे पास क्या है, एक सोलेनोइड है यूं करके, ठीक है, बना लेते हैं एक बार। हाँ,
ये सोलेनोइड है यू करके, ओके, और इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है। यहाँ पे जो इसके टर्न्स हैं, इसके टर्न्स में करंट कुछ ऐसे जा रही है, ओके, यहाँ से करंट ऐसे गई, फिर ऐसे अंदर, फिर यू बाहर, ऐसे अंदर, फिर यू बाहर, ऐसे अंदर, फिर यू बाहर, ऐसे अंदर, फिर ये बाहर, और यहाँ से बाहर निकल गई। ये आई करंट्स में फ्लो कर रही है, और ये क्या है, एक्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक निकालने का तरीका है, एक रूल है, रूल क्या है, राइट हैंड रूल है। क्या एक काम करो, इस सोलेनोइड को ऐसे पकड़ो, ये जो सोलेनोइड ऐसे बना रहे ना, ये बनाया ना सोलेनोइड मैंने, इस सोलेनोइड बनाया मैंने यू करके, इसको ऐसे पकड़ो कि आपके जो ये जो अंगुलियां हैं ये वाली, ये कैसे कर्ल करनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल करनी चाहिए, ठीक है। जो फिंगर है हमारी वो किस डायरेक्शन में कर्ल करनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करनी चाहिए। तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, तो कैसे कर्ल कर दो, ऐसे पकड़ो, ठीक है, ये पकड़ा, और जिस डायरेक्शन हमारा थंब ऑन होगा, कहां की ओर हुआ, ऊपर की ओर, यानी इधर की ओर, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी, होगी अलॉन्ग द एक्सेस, लेकिन कहां की ओर, ऊपर की ओर। अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माय जेड एक्सेस, अगर मैं ये बोलूं दिस इज एक्सेस ऑफ दिस सोलेनोइड एंड दिस इज जेड एक्सेस, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो कहां की ओर होगा, अलोंग जेड कैप डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में होगा, जेड कैप डायरेक्शन में होगा। अगर यहां पर केस उल्टा हो जाए, अगर मैं करंट को उल्टा घुमा दूं तो कैसा होगा, देखो, तो अगेन यहां पर सोलेनोइड बनाओ, बना दिया सोलेनोइड, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो सेम चीज होगी, लेकिन अभी करंट को अगर उल्टा घुमा दो, तो यहां से करंट पहले तो वायर बनाओ यूं करके, ठीक है, देखो अभी ऐसा कर दो, यहां से गई, फिर यहां से ऐसे बाहर निकली, फिर ये अंदर से गई, ये बाहर निकली, अंदर से गई, ये बाहर निकली, अंदर से गई, बाहर निकली, अंदर से गई, और यहां से ये बाहर निकली, यहां से आई करंट आई, यहां से आई करंट इस तरीके से बाहर निकल गई। नाउ इस पर्टिकुलर केस में केस कैसा है, ऐसा है, अभी करंट कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, चल रही चल रही, आंसर आने चल रही है। तो क्या करो, इस सोलेनोइड को ऐसे पकड़ो ताकि जो हमारी अंगुलियां हैं उस डायरेक्शन में कर्ल करनी चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो ऐसे करंट फ्लो कर रही है तो घुमा दो इसको, ये घुमाया, और जिस डायरेक्शन में हमारा थंब ऑन होगा, कहां की ओर हुआ, नीचे की ओर ऑन हुआ, तो यहां मेरे पास बी होगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, बी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जेड कैप, किस डायरेक्शन में होगा, ये माइनस जेड कैप डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर हमने इसकी जो एक्सेस है वो किस डायरेक्शन में हो, अलोंग जेड डायरेक्शन हो, तो इस पर्टिकुलर केस में जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड कैप, सॉरी माइनस जेड कैप डायरेक्शन में होगा, और इस केस में किस डायरेक्शन में होगा, प्लस जेड कैप डायरेक्शन में होगा। समझ में आई बात, ओके। नाउ कुछ और कमेंट करते हैं, देखो अब आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होगा, क्या होगा आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। यहां पर हमारे पास दो केस आ सकते हैं, एक कौन सा कि वेरी नियर टू द सोलेनोइड, सोलेनोइड के बहुत पास, देखो बहुत पास कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है ना। वैसे आपने क्लास 12 में क्या पढ़ा है कि सोलेनोइड के बाहर हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो आप एक कमेंट यहां से कर सकते हो कि अगर मैं सोलेनोइड के बहुत पास से जाऊं, ये मेरे पास सोलेनोइड के सरफेस है, अगर इसके पास से जाऊं तो यहां कुछ ना कुछ तो फील्ड है, कम है लेकिन फील्ड है इधर। लेकिन जब दूर की बात करते हैं तब यहां तो क्या है, बिल्कुल ही जीरो है, यहां बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लाइन जा रही है बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो मैं यहां पर दो चीजें आती हैं, वो क्या है कि वेरी नियर टू सोलेनोइड, सोलेनोइड के बहुत पास आउटसाइड द सरफेस, सोलेनोइड के बहुत पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। लेकिन जब सोलेनोइड से हम बहुत दूर जाते हैं तब वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो लिख के चलेंगे इन दो पॉइंट को, वहां पर देखने को भी मिल रहा है और लिख के भी चलेंगे, ओके। देखो यही चीजें इंपॉर्टेंट है सोलेनोइड में, निकालना तो दो मिनट का खेल है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सॉरी देखो क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आउटसाइड द सोलेनोइड फील्ड या बी इज नेग्लिजिबल बट नॉट जीरो। किसके लिए, फॉर पॉइंट नियर टू सोलेनोइड, वो पॉइंट जो सोलेनोइड के क्या है, बहुत पास है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट P1 हो गया, इधर एक पॉइंट P2 हो गया, यहां पर कोई एक पॉइंट P3 हो गया, ये क्या है, वो पॉइंट है जो सोलेनोइड के बहुत पास है, तो इन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, उसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोई टेंशन हमें लेनी नहीं है, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर
पॉइंट वेरी फार अवे फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम सोलेनोइड, फ्रॉम सोलेनोइड फील्ड इज जीरो. फील्ड कितना होता है हमारा? जीरो होता है. तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? जीरो आ जाएगा. ठीक है, दैट इज बी इक्वल टू जीरो. कब? माना यहां पर हमें फील्ड निकालना है, तो यहां फील्ड कितना होगा? जीरो होगा. इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा हमारा? जीरो. यानी यहां फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा? जीरो होगा. दिख नहीं रहा होगा आपको, ओके? तो यहां फील्ड कितना होगा हमारा? जीरो होगा. यानी बहुत दूर पॉइंट के लिए फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. लेकिन अगर हम सोलेनोइड के बहुत पास आएंगे तो, और सोलेनोइड के बाहर होंगे लेकिन सोलेनोइड के बहुत पास होंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा. उसे हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं. समझ में आई इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आई, यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसे हैशटैग बना के लिखो. अब ये कैसा है? एक सिलेंड्रिकल सोलेनोइड है. कैसा सोलेनोइड है? एक सिलेंड्रिकल सोलेनोइड है. तो यहां पर मैं इसको क्या रख सकता हूं? इसके मैग्नेटिक फील्ड को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकता हूं. देखो कैसे लिख सकता हूं. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड बी कैन बी डन एज लाइक दिस, कि बी एस एस कैप प्लस बी फाई फाई कैप प्लस बी जेड जेड कैप. ऐसे लिख सकता हूं. इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लिख दिया मैंने इसको. ठीक है, इसके कंपोनेंट अलोंग एस डायरेक्शन, कंपोनेंट अलोंग फाई डायरेक्शन, कंपोनेंट अलोंग जेड कैप डायरेक्शन. ना अब देखो यहां पर जो मेरे पास, ये जो मेरे पास बी एस है, इसे मैं क्या बोलता हूं? रेडियल कंपोनेंट बोलता हूं. क्या बोलता हूं? इसे मिटा दूं मैं. ठीक है, इसे मिटाता हूं या फिर इधर लिखते हैं यार को, इसे मिटाते हैं. सॉरी, आज आवाज नहीं आ रही ना. मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी आवाज रुकी हुई जैसी लग रही है. या तो मेरे कान बंद हो रखे हैं या मेरी गले से आवाज निकल ही नहीं रही है. देखो जहां पर बी एस है वो एक्चुअल में क्या है? बी एस इज रेडियल कंपोनेंट. इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं. ठीक है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और जो बी फाई है इसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंशियल कंपोनेंट, सर्कमफ्रेंशियल कंपोनेंट. इसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं. और जो बी जेड है इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियल कंपोनेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड. ओके, अब इसको रेडियल क्यों बोला? बिकॉज अगर सिलेंडर की बात करूं तो अगर ये मेरा सिलेंडर है, यूं करके ये सिलेंडर है और ये क्या है? सिलेंडर की एक्सेस है. माना दिस इज अलोंग जेड एक्सेस. तो ये जो मेरे पास डिस्टेंस होती है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सेस, दिस इज नोन एज एस. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको मैंने सर्कमफ्रेंशियल क्यों बोला? क्योंकि हम ऐसे घूम रहे हैं. फाई कैसे होता है? ऐसे घूमता है. तो वो क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस हो गया. किसका? इसके नीचे बेस का सर्कमफ्रेंस. ओके, तो उसे मैंने क्या बोल दिया? सर्कमफ्रेंशियल कंपोनेंट बोल दिया. और दिस इज एक्सियल कंपोनेंट, यानी अलोंग द एक्सेस. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? एक्सियल कंपोनेंट हो गया. नाउ कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसी भी एक सोलेनोइड के लिए रेडियल कंपोनेंट क्या होता है, सर्कमफ्रेंशियल कंपोनेंट कितना होता है और एक्सियल कंपोनेंट कितना होता है. आप यहां से आप बता सकते हो, इससे बता सकते हो कि क्या होगा. देखो अगर मैं किसकी बात करूं, रेडियल कंपोनेंट की बात करूं, तो रेडियल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट अलोंग एस डायरेक्शन. तो क्या एस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है? कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. यानी यहां 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 कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ, इसके पास है कुछ, लेकिन कैसा है? नेग्लिजिबल है. तो हमेशा किसी एक सोलेनोइड के लिए जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो कितना होता है? जीरो होता है. रेडियल कंपोनेंट कितना होता है? जीरो होता है. अगर बात करूं मैं किसकी, सर्कमफ्रेंशियल कंपोनेंट, यानी क्या कोई फील्ड लाइन ऐसे घूम रही है करंट के साथ, जैसे करंट घूम रही है, क्या वैसे यहां पर फील्ड लाइन घूम रही है? नहीं. तो यहां पर जो फाई हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है, फाई भी कितना होगा? जीरो होगा. ओके, यानी बोलते हैं बी फाई भी, यहां बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फाई कैप डायरेक्शन भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इसको वैसे ही बोलते हो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एस कैप डायरेक्शन कितना हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा. तो बचता कौन सा है हमारे पास? ओनली वन एक्सियल कंपोनेंट. तो सिर्फ कौन सा बचेगा मेरे पास? एक्सियल कंपोनेंट बचेगा. तो जब भी हम बात करेंगे किसी एक सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो हमेशा हम किसकी बात करेंगे? एक्सियल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे. और जो बाकी के जो दो कंपोनेंट हैं वो क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं. समझ में आई इतनी बात? ओके, अगर ये बात समझ में आ गई, अब बारी किसकी है कि भैया ये होगा कितना. नाउ फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लेट्स फाइंड फाइनली नाउ
नाउ लेट्स फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ओके। तो उसके लिए मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा, यहां पर एक सोलेनोइड लेना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, यहां पर एक लॉन्ग सोलेनोइड है कुछ तरीके से, ओके, और ऐसे कुछ उसमें करंट जा रही है यूं करके, तो ऐसे जा रही है, तो यहां से ऐसे बाहर निकल रही है और फिर इसके अंदर घुस जा रही है, ठीक है, फिर यहां से ऐसे बाहर निकल रही है और इसके अंदर घुस जा रही है, ठीक है। पहले यहां बना लूं मैं, ठीक है, ये तरीका सही नहीं है जैसे बना रहा हूं मैं, एक एक करके बनाने होते हैं, लेकिन आप समझ रहे हो मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं। ठीक है, करंट कैसे फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है, समझ में आ रही बात, यूं, क्योंकि यहां अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, अंदर गई बाहर गई, अंदर गई बाहर आई, ओके, यूं करके। और ये क्या है, इसकी एक्सिस है, एक्सिस है, ये क्या है, इसकी एक्सिस है, एंड दिस इज अलोंग जेड कैप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है, ओके। और इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, हमारा यूनिफॉर्म होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, आप देख सकते हो करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ये सोलेनोइड है मेरा, ये सोलेनोइड है, और इसमें करंट कैसे जा रही है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि यहां अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, यहां से अंदर, यहां से बाहर, तो ऐसे करंट जा रही है, सॉरी, अगर ऐसे करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां की ओर होगी, इसको ऐसे पकड़ो, कहां की ओर, ऊपर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और यही हमें फाइंड करना है, क्योंकि बाहर तो कितना होता है, यहां जो फार अवे और यहां पर कितना होता है, यहां पर वी कितना होता है, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, यहां नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, होगा कुछ ना कुछ बट नॉन जीरो होगा, ये ध्यान देना, वेरी नियर टू द सोलेनोइड कितना होगा, नॉन जीरो होगा, एंड वेरी फार, माना यहां किसी पॉइंट पर, यहां बी कितना होगा, जीरो होगा, ये क्या है मेरे पास, फार अवे, फार अवे, ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है, अज्यूम करो कि यहां पर कोई एक पॉइंट है, इसे मिटाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, यहां लिखो, यहां बी कितना है मेरे पास, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो पर नेग्लिजिबल, ओके। नाउ अज्यूम करो कि यहां पर एक पॉइंट है, लेट अस से पॉइंट दिस, दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर इसके इनसाइड मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो किसकी हेल्प से फाइंड करना है, एम्पियर्स लॉ की हेल्प से फाइंड करना है, तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले एक एम्पियर लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, तो कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसी होगी लूप, तो रेट आया है, कैसी लूप होती है, रेक्टेंगुलर लूप होती है, इस केस में कैसी लूप लेते हैं हम, रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं, रेक्टेंगुलर ही क्यों ली, कोई और टाइप की क्यों नहीं ली, क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप जब हम लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, समझ में आ रही बात, हम लूप कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें लेनी कौन सी है, यहां पर रेक्टेंगुलर लेनी है, तो इसको याद कर लो, तो रेक्टेंगुलर लेनी है, क्यों लेनी है, अगर कोई पूछे, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन क्या होता है, हमारा आसान होता है, और अगर कोई कहे कि मुझे दूसरे से करना है, दूसरा लूप लेके करना है, तो उससे करना है तो कर ले, मैं तो इससे ही करूंगा, ओके। तो यहां पर मैंने क्या लिया, एक इस तरीके से लूप ले लिया, जो कैसा है, शेप में रेक्टेंगुलर है, ओके, यूं करके, और दूर तक गया ऐसे कुछ, ठीक है, दिस इज माई लूप, ये क्या है मेरे पास, लूप है, ओके। नाउ अब मूव कैसे करना है, इसमें ऐसे मूव कर लू ताकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, फिर यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, और अज्यूम करो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये कितनी है, एल है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है, या बोलते हैं रेक्टेंगुलर विड्थ है, वो कितनी है मेरी, यहां पर एल है, ऐसा हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। एक चीज और हम जो यहां पर लिखना भूल रहे हैं, वो है मेरे पास क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पहले वो लिख लें, पहले एम्पियर लगा लो, वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर लॉ से हमको क्या पता होता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू जीरो इंटू आई इनक्लोज, आई इनक्लोज का मतलब क्या होता है,
करंट इनक्लोज इनसाइड दिस लूप, कि इस लूप के अंदर कितनी करंट क्या है इनक्लोज है, वो क्या होती है हमारे पास करंट इनक्लोज होती है, अभी आई इनक्लोज होती है। राइट हैंड साइड को ऐसे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रहने दो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू जीरो। अब आई इनक्लोज कितना होगा, देखो यहां पर कितने लूप इसके अंदर आ रहे हैं, इसको भी इसके अंदर मान लो, देखो कितने लूप आ रहे हैं इसमें, एक दो तीन चार लूप आ रहे हैं, और अज्यूम करो कि एक लूप में कितनी करंट जा रही है यहां से, इस तरीके से आई करंट जा रही है, और यहीं से आई करंट क्या हो जा रही है यूं करके बाहर आ जा रही है, ठीक है। तो यहां से एक लूप में कितनी करंट है, आई करंट है, कितनी करंट है आई करंट है, और इसके अंदर कितने लूप है, एक दो तीन चार, चार लूप है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल करंट कितनी हुई इस लूप के अंदर, फोर आई करंट हुई, नहीं हुई, आंसर है हाँ जी हुई, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि हर केस में यहां पर कितना हो, फोर आई हो, सॉरी चार ही लूप निकल के आए। ये तो क्या था हमारा एक सिंपल सा बनाते बनाते यहां पर चार लूप आ गई, हो सकता पांच भी आ सकती, हो सकता छह भी आ सकती हैं। तो यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर क्या डिफाइन किया हमने, सिंस लेट एन स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट, क्या लिख रहा हूं, पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, अगर ये बोलो मैं कि जो n है यहां पर, जो n है ये हमेशा गिवन होगा, किसी एक पर्टिकुलर सोलेनोइड के लिए हमें हमेशा n गिवन होगा कि पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ओके। अब ये लेंथ कितनी है, l लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन l लेंथ कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स, सो नंबर ऑफ टर्न्स टर्न्स इन l लेंथ, l लेंथ, तो दैट विल बी इक्वल टू n इंटू l, ये किसके बराबर होगा मेरे पास, n इंटू l के बराबर हो जाएगा। सो हेंस जो मेरे पास i इनक्लोज होगा वो किसके बराबर होगा, हेंस i इनक्लोज इज इक्वल टू करंट इन वन टर्न्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, वो कितना हो जाएगा nl, तो कितना आ गया ये i nl। तो यहां पर i इनक्लोज को क्या पुट कर सकता हूं मैं, यहां पर i n l पुट कर सकता हूं, करता हूं नहीं करता, आंसर है हाँ जी कर सकता हूं। तो मेरा राइट हैंड साइड क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बारी है किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि क्लोज इंटीग्रेशन इन दिस लूप। नाउ इस लूप को मैं चार पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, तो दिस इज माय पार्ट वन, दिस इज पार्ट टू, दिस इज पार्ट थ्री, एंड दिस वन इज पार्ट फोर, ओके। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि अलोंग वन बी डॉट डी एल फिर प्लस इंटीग्रेशन टू, यहां पर कितना आ जाएगा ये बी डॉट डी एल फिर प्लस इंटीग्रेशन अलोंग थ्री, आ जाएगा मेरे पास कितना बी डॉट डी एल फिर प्लस इंटीग्रेशन अलोंग फोर, और दिस वन इज बी डॉट डी एल फिर इक्वल टू कितना आ गया ये म्यू जीरो आई एन एल आ गया, कितना आ गया म्यू जीरो आई एन एल। देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो है, बिकॉज दिस पार्ट थ्री इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सोलेनोइड, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, इस टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, सॉरी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्यों, बी ही जीरो है, ठीक है, यहां पर बी ही क्या है हमारा, जीरो है। अब बात करते हैं किसकी, इस टू और फोर की, सॉरी ये कौन सा है, थ्री वाला था ना, सॉरी ये वाला था, थ्री वाला। अब बात करते हैं किसकी, टू और फोर की। अब टू और फोर में यहां पर देखो लाइन एलिमेंट कहां की ओर है, इधर की ओर है, कहां की ओर, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहां पर बात करूं मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर है, जो बी है मेरा वो कहां की ओर है, इधर की ओर है, दिस इज माई बी, और यहां पर जो डी एल है वो यहां की ओर है, जो डी एल है यहां की ओर है, और एंगल कितना हो गया यहां पर 90 हो गया। सेम केस यहां पर भी है, देखो जो मेरे पास बी है वो कहां की ओर है, इधर की ओर है, और यहां पर जो मेरे पास डी एल है वो कहां की ओर है, इस डायरेक्शन में, यानी कहां की ओर, इधर की ओर, तो दिस इज माई डी एल वैक्टर, डी एल वैक्टर कहां की ओर है, इधर की ओर है। अगेन यहां पर थीटा इक्वल टू कितना हो गया मेरा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो दीज टू पार्ट ऑल्सो बिकम जीरो, ठीक है। तो ये दो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएंगे हमारे, जीरो हो जाएंगे। बचा कौन सा वाला, सिर्फ ये वाला। अगर मैं इस वाले में देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड और डी एल दोनों कहां है, सेम डायरेक्शन में है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच एंगल कितना है मेरे पास, जीरो है। बिकॉज अगर मैं डी एल कंसिडर करूं तो दिस इज माई डी एल, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, यानी कहां की ओर है ये, ऊपर की ओर है, और बी भी कहां की ओर है, ऊपर की ओर है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास यहां पर, दिस इज
यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है इन दोनों के बीच, जीरो है। तो दिस इज बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन होता है, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो आई एन एल हो जाएगा। बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल यूनिफॉर्म है क्योंकि अंदर, ठीक है यूनिफॉर्म है बाहर निकल के आ जाएगा, और अंदर कितना बच गया ये दिस इज डी एल, तो ये कितना आ गया मेरे पास म्यू जीरो आई इंटू एन एल आ जाएगा। और डी एल का इंटरेक्शन कितना हो जाएगा दिस टोटल लेंथ वो कितनी है मेरे पास एल है, तो दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो आई एन एल आ जाएगा। इस एल से ये एल उड़ गया, तो यहाँ से मेरे पास B इक्वल टू कितना आ गया म्यू जीरो एन आई आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इस सॉलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ भी देख सकते हो वो वेरी नहीं कर रहा है, वो किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके नाउ अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ तो कैसे लिख दूंगा कि दिस B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी जेड कैप, जैसे कि आप हमने अभी पढ़ा, ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्शन कहाँ की ओर है जेड कैप डायरेक्शन में, ऐसे घुमा के देख लो कहां की ओर है जेड कैप डायरेक्शन में। तो ये क्या निकल गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया विच इज यूनिफॉर्म, और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलोनॉइड। और आउटसाइड क्या होता है, अगर मैं बहुत दूर पॉइंट की बात करूं तो जीरो होता है, अगर मैं उस पॉइंट की बात करूं जो बहुत पास है तो वहां कितना होता है, होता है लेकिन कितना नॉन जीरो होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है। समझ में आई बात इतनी? ओके अगर इतनी बात समझ में आई तो यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि ये जो सॉलोनॉइड है यहां पर एक कैसा सॉलोनॉइड है, एक इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बहुत क्लोज हैं, क्या है बहुत क्लोज हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सोलेनॉइड है आप एक आइडियल सोलेनॉइड है, ये जो सोलेनॉइड मैंने यहां पर बनाया है एक ऐसा सोलेनॉइड है एक आइडियल सोलेनॉइड है, क्यों, क्योंकि जो लेंथ है वो क्या है बहुत बड़ी है, इनफाइनेटली लॉन्ग है ये, और यहां पर जो टर्न्स हैं वो क्या है एक दूसरे के बहुत पास हैं, ठीक। तो ये कैसा सोलेनॉइड है, एक आइडियल सोलेनॉइड है, और ये जो रिजल्ट निकल के आया है वो किसके निकल के आया है, इसी सोलेनॉइड के लिए निकल के आया है जिसकी लेंथ इनफाइनेटली लॉन्ग है। क्या रियल लाइफ में इतने लंबे सोलेनॉइड पाए जाते हैं, आंसर है नहीं। जो रियल लाइफ में जो सोलेनॉइड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं रियल सोलेनॉइड बोलते हैं, क्या वो ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते, उनकी लेंथ क्या होती है फाइनाइट होती है। लेकिन इस रिजल्ट की खूबसूरती यह है, यह रिजल्ट उतने ही अच्छे आंसर देता है जितने अच्छे आंसर वो इस सोलेनॉइड के लिए देता है, उतने ही अच्छे आंसर वो एक फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए देता है, या बोलते हैं एक रियल सोलेनॉइड के लिए क्या करता है देता है। यानी इस रिजल्ट को हम कहां यूज कर सकते हैं, जो रियल सोलेनॉइड होते हैं हमारे वहां पर भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं विदाउट एनी करेक्शन। समझ में आई बात? ओके तो लिख के चलेंगे दिस रिजल्ट सिंस वी नो B इक्वल टू क्या मिला हमको फॉर सोलेनॉइड म्यू जीरो एन आई इंटू जेड कैप, तो यहां पे लिख के चलो दिस रिजल्ट इज वेरी गुड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड या इसी को क्या बोलते हैं हम आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं आइडियल सोलेनॉइड। बट वी आर वेरी लकी बिकॉज दिस रिजल्ट इज गिव वेरी गुड, अब ऐसे लिखो दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर फाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ रियल सोलेनॉइड, इसकी बात हो रही है यहां पर रियल सोलेनॉइड विथ ग्रेट एक्यूरेसी यानी आंसर क्या आता है बहुत अच्छा निकल के आता है ग्रेट एक्यूरेसी। ओके बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है एक यहां पर फाइनाइट सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है एल है, ठीक है इस तरीके से अज्यूम करो कि मेरे पास ये क्या है एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है अभी एल है, और इसमें इस तरीके से तार ऐसे लपेटा हुआ है हमने, और जिसमें कितनी करंट जा रही है आई करंट जा रही है,
ठीक है इस तरीके से, और ये क्या है इसकी एक्सेस है जो कि जेड डायरेक्शन में है। ओके नाउ अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ऐसे अगर ऐसे करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, ये भी डायरेक्शन रहने दो अभी। अगर मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ देन दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा। अगर मैं ये बोलूँ इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, कैपिटल एन है। और यहाँ पर कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। एन क्या है यहाँ पर, कैपिटल एन क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। और यहाँ पर जो स्मॉल एन है ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूँ देन दिस विल बी इक्वल टू एन अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। सॉरी अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करूँ देन दिस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये आ जाएगा। तो इसको यहाँ रख दो, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साइड दिस फाइनाइट सोलेनोइड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। और यहाँ क्या आया, कैपिटल कैपिटल एन आया। और आपको पता है कि कैपिटल एन क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। और एल क्या है, इसकी टोटल लेंथ है, ओके। और ये स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ओके। नाउ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, जैसे हम यहाँ पर इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात कर रहे थे तो इनफाइनाइट सोलेनोइड है, हमें पता नहीं है कि इसके एंड कहाँ है, लेकिन यहाँ पर इस सोलेनोइड के क्या है, एंड है। और आपने जब नीचे देखा था जब हम सोलेनोइड के एंड में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, उसके एंड में जा रहे थे, तो वहाँ पर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड था वो थोड़ा बहुत बिखर जा रहा था, ऐसा हो रहा था नहीं हो रहा था, या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे से दूर जा रही थी। तो कुछ ऐसा केस था ना मेरे पास कि अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना चाहूँ तो अगर ऐसे करंट फ्लो कर रही है तो एक काम करो, करंट ऐसे फ्लो कराओ यहाँ से, ऐसे यानी ऐसे फ्लो कराओ, ऐसे फ्लो कर रही करंट ताकि डायरेक्शन सही जगह है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर तो कैसी होंगी, यूनिफॉर्म, यहाँ कैसी होंगी, इस तरीके से यूनिफॉर्म इसके अंदर। लेकिन जैसे ही मैं कहाँ आऊँगा, एंड में आऊँगा, तो कुछ ऐसा हो जा रहा था सिचुएशन, कुछ ऐसी हो जा रही थी, नहीं हो जा रही थी, आंसर है हो जा रही थी, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग होगा इन कंपेयर टू द उसके बीच में, या बीच में कुछ और होगा और उसके साइड में क्या होगा, कुछ और होगा ना। यहाँ पर ऐसी बातें क्यों नहीं करी हमने, क्योंकि इसके एंड कहाँ है हमें पता है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको एंड पता है, एक एंड ये है, एक एंड ये है ना। क्वेश्चन ये है कि इसके एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आंसर है एंड पर मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर में है उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो एट एंड, तो इन एंड्स जो मेरे पास बी निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, इसका हाफ, यानी कितना आ जाएगा ये, वन बाय टू म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। या फिर इसी को एक क्या लिख सकते हो आप, बी इक्वल टू वन बाई टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल आ जाएगा। देखो ये हाफ कैसे हुआ, एक एक एक्सप्लेनेशन इसका आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। कैसा पढ़ते हो आप, कुछ ऐसे पढ़ते हो ना कि अजूम करते हो, इधर लिखो, देखो हाफ क्यों हुआ उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। लेकिन नहीं तो इसके लिए एक फाइनाइट सॉल्यूनोइड के लिए एक अलग से डेरिवेशन होता है, उसको भी करा देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए समझो यूं करके, ओके। तो अजूम करो कि ये मेरे पास क्या है, सॉलिनॉइड है, ओके। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट एन आई होगा, कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, क्या कर दिया मैं इसको, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक, काट दिया इसको मैंने, सॉलिनॉइड को ऐसे काट दिया और फिर यहाँ से ऐसे काट दिया, ठीक है, दो बराबर भागों में काट दिया। पहले यहाँ पर कितना था, म्यू नॉट एन आई, जैसे मैं इसको काटा ये क्या बन गया, दिस इज द एंड ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिनॉइड एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिनॉइड, समझ में आई ना बात। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना था, म्यू नॉट एन आई था, लेकिन जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, हाफ इधर हाफ इधर, तो यहाँ पर कितना होगा, म्यू नॉट, यहाँ पर पहले कितना था, म्यू नॉट एन आई था, अब कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ में जैसे एंड में कितना हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, हाफ हो जाता है, समझ में आया इतनी बार, ओके। तो ये क्या हो गया, एंड में कितना होता है, हाफ हो जाता है, क्लियर है, ओके। नाउ इसका जो डेरिवेशन है ना, किसका, फाइनाइट सॉलिनॉइड के लिए एक अलग से डेरिवेशन भी होता है, ठीक है, उसको भी कर लेंगे, ओके okay? लेकिन अभी नहीं, अभी शायद मेरे ख्याल से टाइम हो गया, टाइम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम तो एक घंटा हो गया भाई, ठीक है, टाइम बहुत हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ सॉलिनॉइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, ठीक है। और बस हो गया, इतने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी, टोरेट की बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।